नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी विड्थ टी है और सरफेस एरिया ए है, उस पर एफ फोर्स अप्लाई करने से जो उसके दोनों सरफेस के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगी उसकी वैल्यू होगी वी इज इक्वल टू पी जी टी। प्रैक्टिकली इस जनरेटेड वोल्टेज की रेंज 1 मिलीवोल्ट से लेकर 30 मिलीवोल्ट तक हो सकती है। हमने यह भी देखा कि एक फिक्स साइज और पर्टिकुलर कट के क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ऑसिलेटर सर्किट में लगाने से किस तरह क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल से किस तरह हम एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अगर इलेक्ट्रिकल मॉडल ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ इस तरह से टैंक सर्किट की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमें दो ब्रांच दिखाई दे रही है जो की आपस में पैरेलल में है। पहली ब्रांच में 3 कंपोनेंट है, आर, एल और सी, और क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में है इसलिए हम एक सबस्क्रिप्ट एस यूज करते हैं और अब ये कंपोनेंट है आर एस, एल एस एंड सी एस। और दूसरी ब्रांच में केवल एक ही कंपोनेंट है और पहली ब्रांच के पैरेलल होने की वजह से इस कंपोनेंट को डिनोट करते हैं सीपी से। पहली ब्रांच के 3 कंपोनेंट आर एस, एल एस एंड सी एस दे कम इनटू पिक्चर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल, एंड व्हेन क्रिस्टल इज नॉट वाइब्रेटिंग देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक्ट्स एज ए नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक विच इज इंसर्टेड बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो इस तरह से ये एक कैपेसिटेंस वैल्यू होल्ड करेगा और वो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी सीपी, और इसीलिए सीपी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस और होल्डर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। अब अगर हम पहली ब्रांच की बात करें जो कि क्रिस्टल के वाइब्रेशन की वजह से है, तो इसमें आरएस डिफाइन करता है फ्रिक्शनल लॉस, क्योंकि जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा तो उसमें डिफरेंट लेयर्स के बीच में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फ्रिक्शनल लॉस होगा और वही फ्रिक्शनल लॉस रिप्रेजेंट करता है आरएस। अगर फ्रिक्शनल लॉस ज्यादा है तो आरएस की वैल्यू ज्यादा होगी और फ्रिक्शनल लॉस कम है तो आरएस भी कम होगा। जो दूसरा कंपोनेंट एलएस है, दिस इज कोरेस्पोंड टू मास ऑफ द क्रिस्टल। मान लीजिए अगर एक गिवन साइज के लिए मास ऑफ क्रिस्टल ज्यादा है तो इसका मतलब उस क्रिस्टल की डेंसिटी ज्यादा है, और उस केस में जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। यही चीज एलएस रिप्रेजेंट करता है। अगर गिवन साइज के लिए मास ज्यादा है तो एलएस भी ज्यादा होगा, और अगर मास कम है तो एलएस की वैल्यू भी कम होगी। थर्ड कंपोनेंट है सीएस, और क्योंकि वाइब्रेट करते हुए मॉलिक्यूल्स एक तरह से स्प्रिंग की तरह है तो क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने में कितना फोर्स लग रहा है, या यूं कहें कि उस क्रिस्टल की स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा सीएस के द्वारा। अब ये वाइब्रेटिंग क्रिस्टल जो कि इक्विवेलेंट है एक टैंक सर्किट के, इसको अगर हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो यह टैंक सर्किट एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस शो करेगा। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि जो इस टैंक सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या एडमिटेंस होगा उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाना चाहिए। तो उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है इसलिए इनका इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू इम्पीडेंस निकालने से। तो हम मान लेते हैं कि इस पहली ब्रांच का एडमिटेंस जो कि सीरीज ब्रांच है Y1 है और दूसरी ब्रांच का Y2 है, तो दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट एडमिटेंस Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 होगा। अब Y1 निकालने के लिए हम इस सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा RS प्लस J ओमेगा LS माइनस 1 अपॉन ओमेगा CS, और अब हम इस इम्पीडेंस का इनवर्स कर देंगे, इससे हमें Y1 मिल जाएगा। और क्योंकि सेकंड ब्रांच का इम्पीडेंस होगा 1 अपॉन j ओमेगा cp, और उसकी एडमिटेंस यानी कि y2 निकालने के लिए इसको इनवर्स कर देंगे और ये बन जाएगा j ओमेगा cp, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पर इस टैंक सर्किट का इक्विवेलेंट y आ जाएगा। अब हम इस इक्विवेलेंट एडमिटेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं और इसका एलसीएम लेकर सोल्व करने पर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा, और इसका रियल पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्योंकि ये एलसी टैंक सर्किट केवल उस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी के लिए इक्विवेलेंट एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो इस इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह ओमेगा की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर ओमेगा की दो वैल्यू आएंगी। ओमेगा की पहली वैल्यू होगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LS इनटू CS, और ओमेगा की दूसरी वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट LS इनटू CS CP डिवाइडेड बाय CS प्लस CP। और ये ध्यान रखिएगा कि ओमेगा की इन दो वैल्यू को कैलकुलेट करते समय हमने RS को जीरो के इक्विवेलेंट माना है। अब क्योंकि ओमेगा की पहली वैल्यू LS और CS यानी कि जो सीरीज कंपोनेंट हैं सिर्फ उन पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा S के साथ, और ओमेगा की दूसरी वैल्यू पैरेलल ब्रांच के कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड कर रही है तो इसे हम बोलेंगे
पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और शो करेंगे ओमेगा पी के साथ। तो इस तरह से गिवन टैंक सर्किट दो फ्रीक्वेंसी पर ओसिलेट कर सकता है, ओमेगा एस एंड ओमेगा पी, और जिनको हम सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ओमेगा एस और ओमेगा पी की वैल्यू आपस में बहुत ही क्लोज होती है, और अगर हमें इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन पता करना है तो हम ओमेगा पी को ओमेगा एस से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये बन जाएगा ओमेगा पी डिवाइड बाय ओमेगा एस इक्वल टू एल एस से एल एस कैंसिल हो जाएगा और सी एस से सी एस कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा अंडर रूट सी एस प्लस सी पी डिवाइड बाय सी पी। थोड़ा और सोल्व करने पर ये आ जाएगा ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा एस इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी एस अपॉन सी पी। अब क्योंकि ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसलिए ओमेगा पी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा एस। प्रैक्टिकली ओमेगा पी जो होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है ओमेगा एस से। अब यहाँ पर ओमेगा पी के एक्सप्रेशन में सी एस और सी पी को अगर हम सीरीज में अज्यूम करें तब उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होती है, और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम डिनोट कर देते हैं सी डैश से। तो ओमेगा पी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल एस इंटू सी डैश, एंड सी डैश इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सी एस एंड सी पी। अब अगर हम ओमेगा एस और ओमेगा पी के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो दोनों के एक्सप्रेशन में एल एस है और दोनों फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एल एस के। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एल एस इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ द क्रिस्टल के, तो इस तरह से सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द क्रिस्टल के। अब अगर हम इस टैंक सर्किट के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करें फ्रीक्वेंसी वर्सेस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, तो हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर इस तरह से ओमेगा एस और ओमेगा पी को मार्क कर लेंगे, और ये ध्यान रखना है क्योंकि ओमेगा एस ओमेगा पी से छोटा होता है इसलिए ओमेगा एस पहले आएगा और ओमेगा पी बाद में आएगा। अब क्योंकि सीरीज रेजोनेंस के टाइम पर कोई भी सर्किट मिनिमम इम्पीडेंस शो करता है और पैरेलल रेजोनेंस के टाइम पर वही सर्किट मैक्सिमम इम्पीडेंस शो करता है, तो इस तरह से इम्पीडेंस का वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा कि हमें ओमेगा एस पर एक डीप पॉइंट मिलेगा और ओमेगा पी पर एक पीक पॉइंट मिलेगा। अब इस ग्राफ में वो रीजन जहां पर फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इम्पीडेंस कम हो रहा है तो वो जरूर ही कैपेसिटिव रीजन रहेगा, क्योंकि कैपेसिटिव इम्पीडेंस डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर। तो इस तरह से ये दो रीजन जहां फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इम्पीडेंस डिक्रीज कर रहा है ये दोनों कैपेसिटिव रीजन होंगे। ओमेगा एस और ओमेगा पी के बीच में फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर इम्पीडेंस भी बढ़ रहा है तो ये इंडक्टिव रीजन होगा। अब मान लीजिए अपना गिवन एलसी टैंक सर्किट सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एस सी एस अंडर द रूट पर ओसिलेट कर रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए इक्विवेलेंट एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और अगर हम ओमेगा एस की ये वैल्यू पुट करके रियल पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा 1 अपॉन आर एस के, और क्योंकि ये सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंड है तो इसे हम डिनोट करेंगे वाई एस के साथ। तो वाई एस है रियल एडमिटेंस एट द टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और सिमिलरली अगर हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए नेट एडमिटेंस का रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आर एस डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा पी सी पी का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ आप ओमेगा पी को 1 अपॉन अंडर रूट एल एस इंटू सी एस सी पी डिवाइड बाई सी एस प्लस सी पी पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सीखने के बाद अब हम ये और देख लेते हैं कि किसी भी आर एल सी टैंक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब कोई भी टैंक सर्किट है तो उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करते हैं और रजिस्टर जो होता है वो एनर्जी को डिसिपिएट करता है। इस तरह से एक टैंक सर्किट के अंदर एक गिवन वोल्टेज सोर्स के लिए जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं, मीन्स कभी ऐसा होगा कि सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी और उस टाइम पे इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं होगी, और वोल्टेज सोर्स की अगली साइकिल में कैपेसिटर से एनर्जी ट्रांसफर होकर इंडक्टर में जाने लगेगी और उस साइकिल के एंड में सारी एनर्जी इंडक्टर में होगी और कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं होगी, और मीनवाइल कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब इंडक्टर और कैपेसिटर में इक्वल एनर्जी स्टोर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल एनर्जी जो है वो सर्किट में फिक्स होगी और सेम टाइम पर कुछ एनर्जी रजिस्टर होने की वजह से हीट की फॉर्म में लॉस भी होती रहेगी। तो क्वालिटी फैक्टर को इस तरह से डिफाइन किया गया है 2π इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और अगर हम ये माने कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर है, तो उस एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एल एस आई नोट का स्क्वायर, जहां पर आई नोट उस करंट की पीक वैल्यू है जो इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है।
है। अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर निकालने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे कि एक साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी लॉस हो रही है इस RS की वजह से, यानी कि पावर लॉस फॉर वन साइकिल। और पावर लॉस फॉर वन साइकिल को हम एवरेज पावर लॉस भी बोल सकते हैं। अब नॉर्मली जो रजिस्टर में पावर लॉस होगा वो होगा हाफ आई नोट का स्क्वायर इंटू RS, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टाइम पीरियड के लिए कितनी एनर्जी लॉस हुई है वो निकालेंगे, तो इसको कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज और करंट। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो 2 पाई बाय T को हम ओमेगा लिख सकते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर से आई नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा ओमेगा इंटू LS डिवाइड बाय RS। तो इस तरह से हम एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी और समझने के लिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट लिया है। अगर कोई टैंक सर्किट भी है जिसमें सीरीज ब्रांच भी है और पैरेलल ब्रांच भी है, तो उस केस में भी जो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है और ये सेम रहेगा। हाँ, जो हमने कंपोनेंट्स की टर्म में कैलकुलेशन की है उसमें चेंज आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में हम पायरो इलेक्ट्रिक और फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।